सो सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं, बहुत टाइम वाले ब्लॉग बना रहे हैं। मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं एक नए अड्डे पे जा रहा हूँ। ये बैग है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, यहाँ तक किताबें हैं इसमें, उसके बाद फिर कपड़े और थोड़ा कैमरा वगैरह का सामान है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी बताइए, क्यों निकाल रहे हैं आप हमको घर से बाहर? ये देखिए, हाँ जी हमारे साथ स्पेशल, आप हमें मिस करेंगे? नहीं करूंगी मैं किसी को भी। 2:18 हो गया और हम जाने को बिल्कुल तैयार हो गए। और ये मेरा सामान है यहाँ पे रखा हुआ, और ये सबके सब लोग यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल छोड़ने के लिए, वेट कर रहे हैं कि कब जाएगा कब जाएगा। सेवा तो ले लेंगे। कहाँ भगा रहे हो घर से? हम क्यों भगाएंगे भाई, भागने वाले भाग रहे हो, कोई किसी को भगाता है? कौर क्या आप भगा रहे मेरे को? नहीं, सपोर्ट करा है। ओ बाप रे, खुश करा है। सही बात है भाई। कौन बोल रहा है? मैं ठीक बोल रही हूँ सागर। तो रो मत ना, फिर रो मत ना, मेरे को तो बेकार नहीं लगेगा क्या? सर ऐसा है कि हम घर से निकल चुके हैं और हम ये तीन जो है बंदर पीछे बैठे हुए हमारे, और यहाँ पे सर ड्राइविंग सीट पर दीपक है हमारे साथ और दिक्की जी हैं। चार लोग छोड़ने जा रहे हैं। हैं? हम तो घूमने जा रहे हैं। हम छोड़ने जा रहे हैं, हम तो गाड़ी में घूमने आ गए भैया। डिसीजन होने आंसर, जैसे मैंने सागर को बोला सागर की अचीवमेंट जब होगी, जब उसे लूसे मिला तो आपके लिए क्या अचीवमेंट होगी मुंबई जा रहा है? जो फैमिली ने छोड़ा ना जिस तरीके से, तो उनके चेहरे पर अगली बार स्माइल आए कि हाँ भाई, मतलब उनको प्राउड फील हो, बस ये अचीवमेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती अचीवमेंट। तेरे से पकड़ा जा रहा क्या? रिजवान ऐसे जा रहा है जैसे वही जा रहा है। ये क्या सिस्टम है इसमें? जाना नहीं, वो सौ आ गए। तुम तो दंग रह गए गाड़ी देख के। तेरे भाई ऐसे नहीं, बैठ जाओ ठीक है। चलो हाँ भाई, हाँ तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ वापस घर, ठीक है? ढंग से अपनी जर्नी को कंप्लीट करना, ठीक है? जो छोड़ने आए वही लोग बैठ रहे यहाँ पे। बाय 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 बाय। So look who we have today, दीपा और आकाश। हमको ये
पिक करने के लिए आए हैं और थोड़ा सा कल्चर बता दे मुंबई का कि भैया मुंबई में आए हो तो ऐसा करो वैसा करो। इधर आपको बोलते हैं इकड़े आ, हाँ, और उधर जाकर बोलते टिकड़े जा, पूरा साउथ इंडियन बात। तो ये लोग मुझे बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे ट्रेन का क्या सीन है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एसी स्लो फास्ट। बस स्टैंड है ये, बस स्टैंड कम लग रहा है, ये लग रहा है जैसे सीपी के आसपास होगा ऐसा लग रहा है। और ये पूरे फूड स्टॉल्स लग रखे हैं यहाँ पे। सर ऐसा है कि शाम के 5 बज रहे हैं और हम आए हैं, लगे ना वापस भी आना चाहिए भाई। नहीं आया भाई, नहीं आया। हमारे साथ ज्योति हैं और हमारे साथ दीपा हैं। बच्चे यार समंदर पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखो आज तक जितनी बार भी हमने पानी देखा है तो हमने देखा है कि जैसे हम यहाँ पे जमीन देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, उसके उधर भी जमीन देखते थे हम नदियों में हर जगह। लेकिन ये सीन ऐसा है कि पानी के पार कुछ दिख ही नहीं रहा, पानी के पार सिर्फ आसमान है। जहाँ पे आसमान और जो पानी है वहां मिल रहा है उसको बोलते हैं क्षितिज। और क्या बेहतरीन सीन है। और इस बेहतरीन सीन के बीच में हम हैं जो आकाश शूट कर रहे हैं। सागर एक ही है, पानी से डर लग रहा है। अब न मुझको याद भी था, मैं तो लम्हों में जीता चला जा रहा हूँ। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, इस यकीन से मैं यहाँ हूँ कि जमाना ये भला है और जो राह में मिला है। थोड़ी दूर जो चला है वो भी आदमी भला था, पता था। सर ऐसा है कि फाइनली हम मुंबई पहुंच चुके हैं। आगे जितने भी व्लॉग्स आपको दिखेंगे वो आपको मुंबई के दिखेंगे। ये बहुत ही अच्छा थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग दिखाने की हमने आपको कोशिश की है। उम्मीद करेंगे कि इसी तरह के अच्छे व्लॉग हम आपको दिखाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे व्लॉग्स को देखते रहेंगे, शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और कमेंट करके बताएंगे कैसे लगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय। मगर अब ना मैं अपने घर का रहा।